मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से आए हुए प्रतिनिधि बंधु, मैं डिपार्टमेंट के सभी साथियों को बधाई देता हूं इस कार्यक्रम की रचना करने के लिए, क्योंकि बहुत वर्षों से हम एक बात सुनते आए हैं और उसका हमारे मन पर प्रभाव भी बहुत रहा है। हर जगह पर हम सुनते थे एक शब्द, ब्रेन ड्रेन, और आलोचना भी होती रहती थी कि ये देश का क्या होगा, ब्रेन ड्रेन क्या होगा, ऐसी आलोचना होती थी। और आज से 15-20 साल पहले शायद यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों ने ये चिंता व्यक्त की होगी। वो एक माइंडसेट था, लेकिन आज ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन तक की हमारी यात्रा है ये। और अब ब्रेन ड्रेन से बाहर निकल करके, उस सोच से बाहर निकल के, ब्रेन गेन के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको हमने सोचना चाहिए। और इसलिए कोशिश ये है कि अब वो हम लोगों ने चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 5-50 लोग दुनिया में पहुंचेंगे तो यहाँ खाली हो जाएगा। ये बहुरत्ना वसुंधरा है, कोई कमी पड़ने वाली नहीं है, टैलेंटेड मैन पावर की कभी कमी पड़ने वाली नहीं है। दूसरी बात है, भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का लेखा जोखा लेना चाहिए, और वो भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए। और आज अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है भारत का ह्यूमन रिसोर्स, हमारा मैन पावर। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है तो हमारे विकास की यात्रा के केंद्र बिंदु में इस विचार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि जिस देश के पास 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे हो, और आने वाले दिनों में ये एवरेज और कम होने वाली है, भारत आने वाले दिनों में अधिक युवा होने वाला है, अगर ये हमारी संपत्ति है तो संपत्ति को ध्यान में रख करके हमारी विकास यात्रा के मॉडल को हमें तैयार करना चाहिए। और अगर उसको तैयार करना है तो हमने ग्लोबली भी देखना चाहिए कि दुनिया की क्या स्थिति है। कितना ही डेवलपमेंट किया होगा, टेक्नोलॉजी की नई नई ऊंचाइयों को पार की होगी, उसके बाद भी विश्व का बहुतेक हिस्सा ऐसा होगा आने वाले दिनों में जो मैन पावर के बिना एक प्रकार से हैंडीकैप हो सकता है। अभी जैसे त्रेहान जी बता रहे थे कि अगर हम सपोर्ट सिस्टम खड़ी ना करें तो दुनिया के कई देशों का हेल्थ सेक्टर ही कॉलेप्स कर जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोगों के पास ये सामर्थ्य है। अब इसको साइंटिफिक ढंग से हम आगे कैसे बढ़ाएं? भारत में व्यक्तिगत संबंधों के कारण कोई मिडिल ईस्ट में चले गए होंगे, वहां कोई मजदूरी की शुरू की होगी, कोई 5 लोग पहले गए होंगे, फिर 50 को ले गए होंगे, फिर एक जिले के ज्यादा लोग उसी देश में चले जाते होंगे, वो परंपरा चली होगी। लेकिन
इस बात को इंस्टीट्यूशनलाइज करके इस सेक्टर में काम करने वाले सब लोगों का सहयोग लेकर के सरकार के सभी डिपार्टमेंट को भी कोऑर्डिनेट करते हुए एक रोड मैप बना करके उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, हमारा डेस्टिनेशन क्या हो, हमारे वे एंड मीन्स क्या हो, इन सारे विषयों में जब तक हम वैज्ञानिक तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, एक परफेक्ट मैकेनिज्म खड़ा नहीं करेंगे, तो इतनी बड़ी संपदा होने के बावजूद भी उधर लोग वर्कफोर्स के लिए तरसते होंगे और इधर हम काम न देने के कारण तब परेशान रहते होंगे। और इसलिए समय रहते हम ग्लोबल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजना को करना चाहिए, और उसी दिशा का ये महत्वपूर्ण एक प्रयास है कि जिसमें दुनिया के देश के लोगों से मिले, बैठे, बात करें, सार्क देशों ने विशेष रूप से उसमें योगदान दिया है, और मिल बैठ करके हम किसकी क्या आवश्यकता है उसको सोचे समझे और उसकी दिशा में हमारा जाने का प्रयास है। एक तो हमने ये काम करने की भी आवश्यकता है, और मैं चाहूंगा उसमें राज्य सरकारें हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनियां और इस फील्ड में काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, भारत सरकार भी हो सकती है, सबने मिलकर के काम करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में भी हमारे पास जो भी वर्कफोर्स है उसमें भी अलग अलग इलाके की अलग अलग ताकत है, अलग अलग विशेषताएं हैं। जो काम कर्नाटक की तरफ का नौजवान कर सकता होगा, संभव है कि आसाम का नौजवान उस प्रकार से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जो काम आसाम का नौजवान कर पाएगा वो शायद कर्नाटक का नहीं कर पाएगा। तो भारत इतना विशाल है कि हमारे यहां जो मानव संपदा है उसकी शक्तियों में भी अनेक विविधताएं भरी पड़ी हुई है। हमारा काम होगा कि हम इस प्रकार के शक्तियों का मैपिंग करें। अब देखा होगा हमने स्पोर्ट्स, हमें मालूम है कि कुछ ही इलाके से स्पोर्ट्समैन मिलते हैं, हमें सब जगह से नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं हर जगह पे खेल नहीं चल रहा है, स्कूल में तो खेल तो हर कोई खेलता है, तो एक 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 भूभाग की विशेषता बनी होती है। आप देखें होंगे मैथमेटिक्स में अच्छे स्टूडेंट कुछ ही इलाके होंगे जहां से बेस्ट क्वालिटी मैथमेटिक्स स्टूडेंट मिलते होंगे, तो एक ट्रेडिशन डेवलप हुई होगी। हमने हमारे पास जो ये मानव संपदा है उस मानव संपदा का किस भूभाग में किस प्रकार का स्वभाव है, जरूरी नहीं एक प्रकार का होगा, अनेक प्रकार का होगा, उसमें प्रायोरिटी हम तय करें, फिर फोकस वहीं करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर प्रकार की टैलेंट, हर प्रकार की स्किल हिंदुस्तान के हर कोने में डेवलप हो, आवश्यक नहीं है। मान लीजिए हमने एक स्टेट को दो स्किल के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना और उसी को सेंटर फॉर एक्सेलेंस खड़ा किया और हिंदुस्तान भर में जिसको उसमें रुचि हो उनको वहां ले गए और वहां जो लोग तैयार हो उनको दुनिया में जहां जरूर है वहां एक्सपोर्ट किया, तो आप देखिए कि हम इतना क्वालिटेटिव अपना काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसलिए एक महत्वपूर्ण काम है हमारा अपना मैपिंग, दूसरा महत्वपूर्ण काम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब तक हम हमारे मैन पावर को तैयार नहीं करते, मान लीजिए हमारे कारपेंटर है, इस कारपेंटर को यूएई में काम मिल रहा है, अगर कोई एक यहां छोटी सी भी इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट हो, जैसे कोचिंग क्लासेस चलते हैं, अगर कहीं पर एक कोचिंग क्लासेस कोई चलाता है प्राइवेट अपना कि भाई 25-25 ऐसे युवकों को जिस देश में जाने वाला है वहां की मैनर क्या होती है, खान पान क्या होता है, 5-50 ऐसे वाक्य याद कर ले तो क्या अर्थ होता है, अगर आपने उसको इस प्रकार से भी सॉफ्ट स्किल डेवलप किया तो उसके पास जो रियल स्ट्रेंथ है उसके प्लस सॉफ्ट स्किल हो गई तो उसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा। मान लीजिए आप उसको भेज रहे हैं लेकिन वो देश टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो हमारी पुरानी पद्धति के कारण तो उसको जो भी आता है हो सकता है कि उसको वहां
मकान बनाने के लिए गया लेकिन डिजाइन मिलेगी ईमेल से आएगी डिजाइन, तो उसको फिर कंप्यूटर रीडिंग आता है कि नहीं आता है वो डिजाइन को समझ, उसको वैल्यूएडिशन कैसे हो अगर हम उसके दिशा में हम अगर थोड़ा भी करें। हम आज दुनिया में हमारी नर्सिंग की मांग है, हमारे नर्सिंग रूटीन में हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है वहाँ से जाती है काम करती है और बड़ी प्रतिष्ठा पाई है, लेकिन क्या हम रिसर्च कर सकते हैं कि और अधिक वैल्यूएशन क्या हो सकता है और कौन सी चीज़ें जोड़ी जा सकती है उस दिशा में अगर हम प्रयास, मान लीजिए हम तय करें कि भाई इस प्रकार से जाने वालों के लिए हम लैंग्वेज क्लासेस चलाएंगे, इन लैंग्वेज क्लासेस के हमें डबल बेनिफिट हो सकते हैं। हिंदुस्तान में अगर हमें टूरिज्म बढ़ाना है और हमारे पास इस प्रकार के लैंग्वेज क्लासेस हैं तो कुछ लोग विदेश जाएंगे लेकिन जो यहाँ रहेंगे वो लैंग्वेज जानते होंगे तो टूरिस्ट के समय जब जरूरत पड़ेगी हमें वो काम आएगा। एक प्रकार से वो अनेक क्षेत्रों पर काम आ सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम विद इन इंडिया हमारी जो ताकत है उसको वैज्ञानिक तरीके से नापना नाप करके उनको और अधिक डेवलप करना एक आवश्यक काम मुझे लगता है। दूसरा, ग्लोबली भी हमने टारगेट करना चाहिए। हम भारत को एक लाभ है अंग्रेजी लैंग्वेज का, लेकिन हमने पूरे दुनिया का एक पर से हिसाब किताब है, एक उन देशों में कुछ चीजें अनिवार्य हैं और ये उनके बस की ताकत नहीं है। किस देश में वो कौन सी चीजें हैं और अगर हम उसको टारगेट करके उनकी अनिवार्यता उनकी मुसीबत जो है उसको अगर आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हमारे यहां काम करते हैं, इमीडिएट आपको मार्केट मिल सकता है, तुरंत उनको रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लीजिए कोई जगह पे पता है कि भाई वहां हेल्थ सेक्टर में उनके यहां डेवलप संभव ही नहीं, आने वाले 25 साल तक संभव नहीं है, ओके हम उस देश में हेल्थ सेक्टर के लिए ही फोकस करेंगे, आप देखिए एकदम से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए दुनिया के किस देश में अनिवार्यता है और वहां पर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी हो उस एरिया में हम हमारे देश में तैयारी करके एंटर कर सकते हैं क्या, उनका भी भला होगा हमारा भी भला होगा। दूसरा पार्ट है कि वहां एस्टैब्लिश चीजें हैं लेकिन कॉस्ट इज ए प्रॉब्लम, वर्कफोर्स इज ए प्रॉब्लम, तो फिर हमारा काम रहता है कि हम उसको एड्रेस करें और उसको एड्रेस करने के लिए हम किस प्रकार से तैयारी करें। हम जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे मैन पावर को वैल्यू एडिशन करके यहां से भेजेंगे और टारगेटेड काम के लिए भेजेंगे हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी भी कर सकते हैं और ऑफ कोर्स भारत के नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो भारत की इकोनॉमी को तो लाभ होना ही होना है और उसका फायदा होगा। कई क्षेत्र ऐसे हैं जैसे हम कहें टूरिज्म, अब टूरिज्म कहने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है, टूरिज्म कहने के बाद उसके पीछे अनेक चीजें हैं, इवन फूड हैबिट्स का होगा, सॉफ्ट स्किल का होगा, लैंग्वेज का होगा, गाइड का होगा, इवन आपके कैब के ड्राइवर्स होंगे तो उनकी ट्रेनिंग होगी, 500 चीजें होंगी। हमें अपना टूरिज्म बढ़ाना है तो हमारे देश में भी हमारी सर्विस को कैसे हम क्वालिटेटिवली इंप्रूव करें, क्वालिटेटिवली इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से हमारे पहलू हो, तो हमारे यहां अपने देश की आवश्यकता के लिए भी उस प्रकार की नई 500 इंस्टीट्यूशंस विकसित हो सकती हैं और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे हो सकती है और करनी भी चाहिए, हम उसमें बहुत बहुत बड़ी मात्रा में रोल कर सकते हैं। अभी मैं जर्मनी गया था तो जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल के साथ ऐसे ही बात हो रही थी लंच के समय पर जब हम मिले तो और गेस्ट अभी सेट हो रहे थे, मीटिंग शुरू होना बाकी था, तो उन्हें बातों बातों में जब उनको पता चला कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो उन्होंने विषय निकाला, उन्होंने कहा कि मैं खुद इंडियन कड़ी बनाती हूँ, बोले मैं सीखी हूँ लेकिन फिर भी मुझे अभी परफेक्ट नहीं आती है और कभी कभी इंग्रेडिएंट्स के संबंध में मुझे प्रॉब्लम रहता है। ये जब मैंने सुना तो तुरंत मुझे मेरे देश के सर्विस सेक्टर की तरफ ध्यान गया,
इसका मतलब कि दुनिया में आजकल होलिस्टिक हेल्थ केयर में जब योगा ने एक ध्यान लिया है, वैसे ही एक हवा चल पड़ी है वेजिटेरियनिज्म की। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वेजिटेरियन में भी इतना डेवलपमेंट हो चुका है। क्या हम इस दिशा में सर्विस देने का तय करें? हमारी जितनी यहां बड़ी बड़ी होटल वाले हैं, वे अगर दुनिया के लोगों को इस प्रकार से सिखाने का काम करें, स्पेशल क्लासेस करें, इवन टूरिस्टों के लिए भी पैकेज बनाए, 3 दिन कुकिंग क्लास, 3 दिन फील्ड विजिट, आप देखिए सर्विस के कितने पहलू हो सकते हैं, कितने प्रकार से उसको पढ़ाया जा सकता है, हम कितने नए इनोवेटिव हैं, क्योंकि हमारे पास विपुल मात्रा में मानव संपदा है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उस सेवाओं को दे ताकि हमारी अपनी प्रोडक्ट भी साथ साथ चली जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई आप ये लेंगे तो साथ में ये मिलेगा, तो साथ में ये भी जोड़ा जा सकता है। और इसलिए हम सिर्फ आईटी के द्वारा सेवा, ये जो लिमिटेड हमारी सोच बनी है, उसमें से हमने बाहर आना चाहिए, इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ बहुत ऊंची पढ़े लिखे लोग ही दुनिया को जरूरत है, ऐसा नहीं है, अनेक प्रकार के लोगों की दुनिया को जरूरत है और यह आवश्यकता बढ़ने वाली है। और इसलिए हमने हमारे सेवा के लेयर्स, मल्टीपल लेयर पर सेवा के हमने दायरे पर सोचना होगा। वो अगर हम करते हैं तो हम बहुत लाभ सुविधा देश की सेवा करेंगे, दुनिया की भी सेवा करेंगे। कुछ तो हम लोगों ने पुराने जमाने में जो नियम बनाए हैं उस भय से बनाए हुए हैं, कहीं दुनिया आ जाएगी खा जाएगी, आत्मविश्वास का अभाव रहा, क्योंकि बहुत सालों तक हम गुलाम रहे, हमने उस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आर्बिट्रेशन हमारे देश में क्यों ना हो, ग्लोबल आर्बिट्रेशन हमारे देश में क्यों ना हो। आर्बिट्रेशन के लिए आज भी हमें लंदन क्यों जाना पड़े? क्या हमारे पास उस प्रकार के चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस प्रकार के लॉयर नहीं है क्या? है, लेकिन हमने कानून ऐसे बना के रखे हैं कि हमारा ही हाँ। और कुछ लोगों को डर लगता है, नहीं नहीं ये यहाँ मत शुरू करो, ये सब दुनिया भर के बड़े बड़े बुद्धिमान वकील यहाँ आ जाएंगे तो सारी हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो सोच किसी जमाने में थी कि टेक्नोलॉजी आएगी तो जॉब चली जाएगी, कंप्यूटर आएगा तो जॉब चली जाएगी, आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण जॉब का ग्लोबल स्कोप पैदा हो गया। वक्त बदल चुका है, हमने स्थितियों को विजुलाइज करना चाहिए। और हमने हमने भयभीत रहने की जरूरत है, इतना बड़ा 125 करोड़ का देश है, हम दुनिया से दबकर क्यों जीना चाहिए? हम अपनी ताकत खड़ी करें, दुनिया में अपना अस्तित्व हम दिखा सकते हैं, इस मिजाज से हमारी योजना और रचनाएं होनी चाहिए। उसी प्रकार से फाइनेंस का सेक्टर हम देख रहे हैं, अब वाया मॉरिशस आई है, वाया सिंगापुर आई है, हमें डर लगता है कहीं अपने यहां कर लिया तो क्यों ना करें हम ये, हम अपनी ताकत को मॉरिशस या सिंगापुर या मलेशिया को क्यों डाइवर्ट करें? हम अपने कानून और नियमों को उस प्रकार से बनाएं ताकि हम इन चीजों को हम भी हजम कर सके और अपनी व्यवस्थाओं को विकसित कर सके। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में देखेंगे आप, हम उन व्यवस्थाओं को विकसित करना चाहते हैं कि जो ग्लोबली भारत को, हाँ कुछ हमने उसकी सीमाएं भी बांधनी पड़ती हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब हम ग्लोबल पैरामीटर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की दिशा में काम नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे साथ नाता नहीं जोड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी ताकत रखती है, सिर्फ हिंदुस्तान में फिल्म बनाने की ताकत रखती है ऐसा नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में अगर उनको भरोसा दुनिया को हम दे दें, मुझे विश्वास है कि हम ग्लोबली एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन सकते हैं उनके अपने क्रिएटिव वर्क के लिए। भारत में क्रिएटिव वर्क के लिए इतना बड़ी संभावनाएं पड़ी हैं, दुनिया में कोई कार बनाए, कार की मैन्युफैक्चरिंग वाला होगा वहां, लेकिन कार में अंदर की सीट की डिजाइन क्या हो वो बनाने की ताकत हिंदुस्तानी में है। और वो ही कार ज्यादा तब बिकेगी, इसलिए नहीं कि तुम्हारा मशीन कैसा है, सीट कैसी है, उसके आधार पर कार बिकती है कि भाई बैठना कितना कंफर्टेबल है, उतरना कितना कंफर्टेबल है, और उस काम को करने वाले भी लोग होते हैं। सर्विस
क्रिएटिव सर्विसेज, इसके लिए हमारे पास इतनी संभावनाएं हैं और हम उसका लाभ उठा दें। आज योगा के क्षेत्र में और आईटी, दो क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसने दुनिया में हिंदुस्तान को भी पहुंचाया है और इसके माध्यम से हिंदुस्तान भी पहुंचा है। लेकिन एक विशेषता है, ये दोनों पहुंचे हैं क्योंकि वहां सरकार नहीं है। बड़ी देर लगी आपको, ये इसलिए पहुंचे कि हम नहीं वहां, क्योंकि सरकार का माइंडसेट ऐसा बना हुआ है सालों से। ये हिंदुस्तान के 20, 22, 24 साल के नौजवान हैं जिन्होंने दुनिया में आईटी के माध्यम से भारत की पहचान खड़ी कर दी है, ताकत के रूप में पहचान बना दी है। उसी प्रकार से दुनिया का लोग, मानव जो कि स्ट्रेस के कारण परेशान है, फ्रस्ट्रेशन से जी रहा है, बहुत कुछ पाने के बाद भी संतोष अनुभव नहीं कर रहा है, तो ढूंढता ढूंढता आया, वो योग उठा के ले गया। कोई आकर के ले गया, कोई जाकर के दे आया, ये दो रूट से हमारा हुआ है। हम इसको और अधिक साइंटिफिक बना करके एक बहुत ही यानी भारत की अपनी सोच के रूप में हम ऐसे किन किन क्षेत्रों में, मान लीजिए संगीत, दुनिया को मैं बताता हूं कि हम संगीत के माध्यम से बहुत कुछ दे सकते हैं। दुनिया को अभी तक वो भी पता नहीं है कि तन डुले इसलिए संगीत होता है कि मन डुले इसके लिए संगीत होना चाहिए। ज्यादातर परिचय यही है कि संगीत यानी तन डुले, संगीत से मन डुलना चाहिए, और ये ताकत हिंदुस्तान में है। ये ताकत हिंदुस्तान में है, ये देश है कि किस प्रहर में कौन सा राग हो, किस बीमारी में कौन सा राग हो, बालक अवस्था है तो कौन सा राग हो, निवृत्त अवस्था हो तो कौन सा राग हो, यहां तक जहां वैज्ञानिक काम हुआ हो, क्या दुनिया को हम ये सेवा नहीं दे सकते? फिर से एक बार गुरु शिष्य परंपरा रिवाइव हो, और मान लीजिए हिंदुस्तान में 1000 अच्छे सितार वादक है और एक दुनिया के 1000 शिष्य उनके यहां आ जाए, उनके यहां रहे, सितार सीखे, साल भर का अपना गुरु दक्षिणा दें और वापिस चले जाए, क्या भारत का संगीत की दुनिया में जिसने साधना की है उसको कभी भूखे रहने की नौबत आएगी क्या? कभी नहीं आएगी। और जो यहां से सीख के गया वो सिर्फ सितार ही सीख के जाएगा कि पूरा हिंदुस्तान लेकर के जाएगा? हिंदुस्तान अपने आप पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? हमारी सर्विस सेक्टर की ताकत ये है कि विश्व में हमें अपने आप को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने आया है। सिर्फ विश्व की सेवा करेंगे ऐसा नहीं, विश्व को अपना बनाने की ताकत हमारे में आई है, और समय समय पर इस देश ने किया है। मैं भी फ्रांस गया था, फ्रांस में मैं युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रथम विश्व युद्ध की शताब्दी हुई, सेवा कैसी हमारे लोग कर सकते इसका एक उत्तम उदाहरण है। 100 साल हो गया, प्रथम विश्व युद्ध में करीब 14 लाख हिंदुस्तान के जवानों ने किसी और के लिए लड़ाई लड़ी थी, अपने लिए नहीं, हमारी जमीन को बढ़ाने के लिए नहीं, हम मर रहे थे इसलिए बचने के लिए नहीं, किसी और के लिए। और करीब करीब 75,000 लोगों ने शहादत की थी। मैं मानता हूं दुनिया समझे, किसी भी प्रकार की सेवा यानी अपना जीवन आहुत कर देने तक की सेवा देना इस देश ने करके दिखाया है। अगर उसने किसी की रक्षा के लिए जान अपने दे करके दिखाया है, तो जीवन बनाने के लिए हमारे डॉक्टरों ने दुनिया में जाकर के अपने कर्तव्य दिखाया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम इस क्षेत्र को सीमित न माने, यह बहुत बड़ी मानवता की सेवा है, यह बहुत बड़ी देश की सेवा है। उसको, हमारी ताकत को हम जल्दी पहचाने, हम अपनी ताकत को ढूंढें, उसको हम ग्लोबली रिक्वायरमेंट के अनुसार वैल्यूएडिशन करें, दुनिया की रिक्वायरमेंट का हम मैपिंग करें, और हम कर सकते हैं। 2025 में किस देश को किस किस जरूरत पड़ेगी हम कर सकते हैं। आज इतनी सारी चीजें हो सकती हैं और उस प्रकार से हम तैयार करें। मुझे विश्वास है कि सेवा के क्षेत्र में
हम इन कामों को करेंगे तो जरूर ही भारत अपनी एक जगह बना सकता है। सरकार में जो नियमों को बदलना होगा उसको भी बदलते हुए इन कामों को करना चाहिए। मैं फिर एक बार सबने मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाई है और भी इसको बल दिया जाए, सरकार में भी इस बदले हुए ब्रेन ड्रेन के जमाने को छोड़ करके ब्रेन गेन के दिशा में हम अपनी योजनाओं को केंद्रित करें। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।